हेलो जी, सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा साडे चैनल नू सस दे रिएक्शन दे, जिथे ममा और मैं मिलके डेली कोई ना कोई नई वीडियोस ते रिएक्ट करदे हां। साडे सब्सक्राइबर्स नू साडी वीडियोस बहुत पसंद आंदी है, पर सब नू सी कि तुसी इमोशनल बयान क्यों नहीं पा रहे हो बहुत दिनां दे, ते असी तुहानू कहा सी कि तुसी सजेस्ट करो। ते मौलाना तारिक जमील जी दा बहुत ही प्यारा सा बयान किसी ने सानू सजेस्ट कीता है, मदर्स मावां दे उपर। असी माँ बाप की खिदमत दे उपर और मावां दे उपर पहले भी बयान सुने ने और कमाल दे, मतलब सच्ची एज सुनांदे ने ना बंदा रो पवे इस तरह। हां जी, बहुत अच्छा, बहुत इमोशनल होके सुनांदे ने। असी मेरे ख्याल लास्ट इन्हां दे बेटे दा जनाजे दा पाया सी, हां वी उस तो बाद असी अज पा रहे हां मौलाना तारिक जमील जी दा कोई बयान। ते चलो सुनदे हां, क्योंकि ऐ ते वैसे ही वर्ल्ड फेमस ने, मौलाना तारिक जमील जी नूं हर कोई लाइक करदा है। ते इन्हां दे की बयान है मावां दे लई, चलो सुनदे हां। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬੱਚੇ ਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਯੋ ਆਂਖ ਖੋਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਸੁਣਨੇ ਔਰ ਬੋਲਨੇ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ ਕਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਤਾ। ਜਬ ਵੋ ਮਾਰ ਖਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਨਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾ ਪਕਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਵੋ 3 ਸਾਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਰੋਤੇ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਹੈ तो उनके अंदर एक नफ़रत पैदा होती है, क्योंकि माओं ने अपनी ममता, अपनी माँ होने का हक अदा नहीं किया, उनको स्कूल के हवाले कर दिया। तो वो मुझसे चंद माएँ कहें तो फिर क्या करें, स्कूल ही फिर दाखिले नहीं मिलते। मैंने कहा तो हिक्को सिर्फ यही स्कूल रह गए, तो मेरे को ले, मैं 10 साल का भी दाखिल कर लूँगा। वैसे मैंने मजाकन कहा, कितने स्कूल में आपने स्टेटस क्यों बना लिया, ये माओ ने स्टेटस बना लिया कि फलां स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, फलां स्कूल में मेरा। उनको तुम्हारी औलाद से थोड़ा गर्ज है, उनको तुम्हारे पैसों से गर्ज। तो इज्जत नफ्स ला यकूलुल खना इज्जत। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, ये वाक़या मेरे घर का है, यानी मैंने कहीं से सुना नहीं, घर का है। जब ट्रैक्टर नहीं होते थे तो बैलों पे काश्त होती थी, तो मेरा ताल्लुक एक ज़मींदार घराने से। 1961 में सबसे पहले पूरे इलाके में मेरे वालिद ट्रैक्टर लेकर आए थे 14,000 का, तो बड़ी हुलहुल हो गई भी मियाँ लबक 14,000 का ट्रैक्टर ले आए, 14,000। वो 1,000 कोई नहीं देखता था उस वक्त, तो 14,000 का ट्रैक्टर, वो तो सारे धूम मच गई कि मियाँ लबक 14,000 का ट्रैक्टर ले लिया। तो वो बैल होते थे, हमारे एक बैल ने चारा खाना छोड़ दिया, तो एक दो दिन तो नौकर ने नोटिस नहीं लिया। तीसरे दिन उनका मियाँ साहब, दांत कहते हैं हमारी ज़ुबान में, दांत जड़ा बैल है तो चारा नहीं, पट्ठे नहीं खा रहा। तो अब्बा जी ने, मरहूम ने बुलाया डॉक्टर, उसने देखा, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, ठीक, कोई मसला नहीं है। तो ये चारा क्यों नहीं खा रहा, कहा एक पता कोई नहीं। तो एक देसी हकीम था हमारे करीब, तो वालिद साहब मरहूम ने घोड़े पर एक नौकर को भेजा कि जाओ उसको उठा के लाओ। उसको लेकर आए तो उसने बैल को यूं देखा, कहने लगा मियाँ साहब इन पट्ठे कौन पांदा है। तो एक हमारा नौकर था अलादिता कसाई, तो उसको दित्तू कसाई कहते थे। कहा अब्बा जी ने कहा जी आए है दित्तू, ओए ओरिया। उसको बुलाया, बैल के सामने बिठाया, जूता उतारा और 5-7 उसके सर में मारे, ठा ठा ठा। कहना जी पट्ठे पाओ, पट्ठे पाए तो वो खाने लगा। उस ये मैं आपको घर का वाक्या सुना रहा हूँ, घर का, सुनी सुनाई नहीं सुना रहा हूँ, अपने घर की बता रहा हूँ। अब्बा जी ने कहा एक ही जादू है, उन्होंने कहा जादू नहीं है, ये आपके नौकर ने इसको कहीं कोई सोटियाँ मार दी हैं और ये वट खा गया था, इसको गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मैंने उस मारे क्यों, मैं तो चंगा भला काम दे रहा, आज जब मैंने उसकी ठुकाई की तो उसको तसल्ली होगी, मेरा बदला हो गया, उन्होंने उस पट्ठे खा ले। इज्जत नफ्स तो जानवर भी चाहता है। हम मातहत को जलील करें, ऊपर वालों को मक्खन लगाएं, नीचे वालों को जलील करें, ये माएँ अपने बच्चों को मारें भी सही, फिर कहें इनके वो खिदमत भी करें, ये कैसे होगा। और एक वाक्य मेरा चश्मदीद है,
एक हमारा मेरे वाले साहब को घोड़े रखने का शौक था, तो बड़े नस्ली घोड़े रखा करते थे। एक घोड़ा सफ़ेद रंग था, उसे नुकरा कहते हैं, तो बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत चलता था। कोई गलती से उसको छांटा मार देता तो गुस्से में खड़ा हो जाता था, चलता नहीं था। फिर बड़ी देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा होता फिर चलता था। एक दिन मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों तांगे पर, और हमारा कोचवान उसको चला रहा, चाचा गामू मरहूम उसका नाम था, तो उसने ना उसको छांटा मार दी। ये मेरा देखा वाक्य है। वो खड़ा हो गया, वहीं खड़ा हो गया, उसने सारे जोर लगाए, हिला नहीं। तीन चार आदमी बुलाए। जब ऐसे कभी घोड़ा तांगे में खड़ा हो जाता था तो फिर एक देहाती ट्रिक था, दो तीन आदमी इधर इधर पहिए को घुमाते थे, पहिया घूमकर जब वो तांगे की लगती थी ना उसको हुक, उसके पुश्त में ही वो पीछे, तो फिर वो चल पड़ता था। तो उन्हें तीन चार इधर जोर लगा ली, वो हिला ही नहीं। अब देखो उसने क्या किया, वो नीचे आया और अपनी पगड़ी उतारी और उसके पाँव पे रख के कहने लगा, अल्लाह दाना आए हूं तक टोर पाओ। यकीन माने मैं आपको आंखों देखा बता रहा हूं। उसके बाद उसने आके लगाम उठाई, घोड़ा चल पड़ा। लाई आप सीरत नबी का एक लफ्ज ले लें तो आप सबके लिए काफी हो जाएगा, मेरे लिए काफी हो जाएगा, इन मस्तूरात के लिए काफी, कि हम मीठा बोल नहीं बोलते। बतौर माँ मुझे कैसे बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते। बतौर बाप मुझे कैसे बोलना है, नहीं बोलते। बतौर भाई मुझे कैसे बोलना है, ऐसा बोल हम नहीं बोलते। बतौर बॉस मुझे मातहत के साथ कैसे बोलना है, हम नहीं बोलते। बतौर मालिक मुझे नौकर के साथ कैसे बोलना है, ऐसा हम बोल नहीं बोलते। एक दोस्त के साथ मुझे कैसे बोलना, हम नहीं बोलते। तो सारे मुआशरे में आग लग गई, मोहब्बत नाम की शय मिट गई। वफा तुम न देखोगे हरगिज किसी में, जमाना वो ऐसा अजीबा रहा है। तो वफा मोहब्बत कैसे उठती है जब ये नागन बन जाती है। मेरे रब की कसम, पूरी दुनिया का शहद इकट्ठा करूं तो एक मीठा बोल उससे ज्यादा मिठास रखता है। और अल्लाह की कसम, सात समंदर की कड़वाहट इकट्ठी करूं तो एक जबान का कड़वा बोल उससे ज्यादा कड़वाहट रखता है। हजारों साल पहले अल्लाह अपने हबीब को हाईलाइट करने के लिए, मैंने क्या कहा, सिफात की कोई इंतहा है मेरे नबी की, किस चीज को हाईलाइट किया है, जिस पे मुआशरा खूबसूरत बनता है। ला यकूलुल खना, जो कभी ऐसा बोल नहीं बोलेगा जो किसी के दिल को तोड़ दे, किसी का आंसू बह जाए, किसी की आह निकल जाए, किसी की फरियाद निकल जाए। मेरे नबी ने फरमाया, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल आपस में मोहब्बत करना है। और मोहब्बत कैसे पैदा होती है, मीठे बोल से, अच्छे अखलाक से। जैसी जो बयान सुनिया मौलाना तारिक जमील जी को, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग सी, जिवें उन्होंने दसाया कि सानू सब नू हमेशा ही मिठे बोल बोलना चाहिए, बिल्कुल है ना। साड़ी मोहब्बत नाल असी प्यार नाल गल करांगे ना ते हर काम समझ आ जाएगा, जित तक कि जानवर भी प्यार नू समझता है। गुस्से बोलिया जा रहा है कि प्यार नाल बोलिया जा रहा, खुद घर का वाक्य दसदा है। असिया कि घोड़े उत्ते जा रहे सी, ओनू मार दिता चाबुक उन्होंने कोचवान ने, ते किवें ओह खलो गया। माफी नहीं मंगी, अपने सिर की पगड़ी तक ला के सामने रखी की चल तो चल क्या कहते। देखो जानवरों को यह एहसास है कि मेरी बेइज्जती हुई है, बच्चों नाल इंसानों नाल भी काफी ना इन्हां दी गल्लां सच्ची ऐसियां होंदियां कि तुहानूं लाइफ विच बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है। शायद सब लई लेसन्स है। अज असीं इन्नी जल्दी तत्ते हो जांदे आ हर गल ते, मतलब गुस्सा ते इत्थे बैठा फटाफट गुस्सा कुछ कहे सी, नहीं पता कि गुस्सा एक बारी कीता हमेशा वास्ते तुहाडी दरार पै जांदी है। प्यार हमेशा नेड़े लियांदा है, गुस्सा दूर लै जांदा है। मैं एक बार कथा विच सुनिया सी कि ए तुहाडे जिहड़े 32 दंद ने ना, 32 कातियां ने, तुसीं जो बोल एक बार बोल देंदे हो ना कौड़ा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਕੌੜੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ
कुछ नहीं है स्पेशली जो मामा वास्ते सी कहंदे कि तुसी छोटे छोटे बच्चियां ऊपर भाई इतना तंज ना करो गुस्से ना करो कि अगर स्कूल नहीं जांदे ते ना इतनी जल्दी क्यों बैठे कि तीन साल च पा ही देने है ना ते कहंदे ए बच्चे दे मन विच नफरत पैदा हो जांदी ते मैं कहंदी ए मैसेज सिर्फ मदर्स लई क्यों सब लई तुसी हर एक एक इंसान इन्ने रिश्ते निभा रहा है हर रिश्ते विच असीं अगर प्यार नाल रही ते क्यों नहीं सारे रिश्ते मिठे ने बस असे बोल अच्छे हो बोल अच्छे हो ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ